चौधरी लाल सिंह इस समय जम्मू एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और भीड़ का जो इंतजार था अभी तक कि लाल सिंह कब जम्मू पहुंचेंगे, और ये सारी तस्वीरें आप इस समय जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की आप देख रहे हैं कि अब चौधरी लाल सिंह जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। ये भीड़ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि स्वागत के लिए इस समय लोग जो है वो एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, भारी तादाद में लोग इस समय एयरपोर्ट के बाहर है और ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अब चौधरी लाल सिंह जो है वो एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब सियासी दंगल जो देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर के अंदर, साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अब इन्हें नामजद किया गया है, क्योंकि भाजपा की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस की तरफ से अब चौधरी लाल सिंह जो है वो लड़ेंगे। इनके जितने भी समर्थक हैं, जितने भी कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स हैं, करीब आज 11 बजे ही वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे और यहां वो इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो इंतजार की घड़ियां खत्म होती नजर आ रही हैं और अंदर एयरपोर्ट से वो अब बाहर की तरफ आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जहां लोग इस समय इंतजार में है और यहाँ पे आप देख सकते वेव कर रहे हैं लोग, क्योंकि अंदर से अब लाल सिंह शायद पैदल ही निकल करके बाहर आएंगे, गाड़ी से नहीं आ पाएंगे। बाहर लोगों की बहुत तादाद है और नारेबाजी की जा रही है। अब देखने वाली बात है कि ये रोड शो जो है वो कितना बड़ा होने वाला है आज जम्मू के अंदर, क्योंकि इस बात का सभी को इंतजार था कि चौधरी लाल सिंह करेंगे कांग्रेस ज्वाइन या नहीं करेंगे, लेकिन कल उन्होंने दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और उसके बाद कल हमने तस्वीरें आपको जम्मू जो कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ की भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और इस समय की तस्वीरें जो है ये जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की है जहाँ पर आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि लोग किस तरह इंतजार कर रहे हैं, ढोल धमाके के साथ उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है और इस समय सारी तस्वीरें जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की हैं। कुछ ही मिनटों के बाद वो गेट से बाहर आएंगे। आप जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हो वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह का 10 साल के बाद जो है वो वापसी हो रही। वो पहले भी कांग्रेस में थे, उसके बाद भाजपा में गए थे और उसके बाद उन्होंने अपना जो डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है उसको पार्टी को बनाया, और अब कहीं ना कहीं ये तस्वीर है चौधरी लाल सिंह जो है वो आप गेट से बाहर की तरफ आ रहे हैं। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं न्यूज इनसाइडर 27 पर लाइव तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं। चौधरी लाल सिंह जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं, लोग जो है इनके इंतजार में हैं। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं चौधरी लाल सिंह इस समय स्क्रीन पर आपको नजर आता हुआ, और जितना भी उनके समर्थक है वो इस समय उनके इंतजार में है। एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बढ़िया और ग्रैंड वेलकम जो है वो होता हुआ यहाँ पे चौधरी लाल सिंह का, लेकिन ये तो वेलकम है। अब देखने वाली बात ये है कि झुक करके सब लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जो लोग भी उनके स्वागत के लिए यहाँ पर आए हैं। जितने लोग आप हमारे साथ इस समय जुड़े हो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक पहुंचे कि सियासी दंगल जो है वो अब किस तरह का होने वाला है, किस तरह का सियासी दंगल जो है वो आप मचने वाला है। इनके साथ चौधरी लाल सिंह के साथ वर्किंग प्रेसिडेंट जो रमन भल्ला है वो इनके साथ है, वो रिसीव करने के लिए इनको एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब ये एयरपोर्ट की बाहर की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज इनसाइड 24/7 से आप बराहे रास्त ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। आपकी क्या राय है जम्मू कश्मीर में इस समय सियासी दंगल जो है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? मिठाइयां जो है वो बांटी जा रही हैं और कहीं ना कहीं अब जो सियासत होने वाली है किस नजरिए से आप देखते हैं, क्या कुछ आपका कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। चौधरी लाल सिंह जो है वो लोगों का शुक्रिया जो है वो अदा करते हुए यहाँ पर जो सिक्योरिटी है उसको भी जो है वो और मजीद बढ़ाया गया है, क्योंकि इनको बाहर निकलना है। लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोग जो है वो बहुत खुश नजर आते हुए
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों में अलग ही जोश, लोगों में अलग ही जुनून जो है वो नजर आता हुआ। और कहीं ना कहीं चौधरी लाल सिंह इस समय एयरपोर्ट के बाहर आते हुए, भीड़ बहुत ज्यादा है, चौधरी लाल सिंह भी जो है साफ तौर पर आप तस्वीरें इस समय जो है वो देख सकते हैं चौधरी लाल सिंह को, न्यूज इनसाइडर 24/7 पर आप लाइव तस्वीरें इस समय देख रहे हैं। साल बाद कांग्रेस में फिर से घर वापसी की हुई है और अब एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा चौधरी लाल सिंह वर्सेस डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि आज की डेट में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज सुबह डॉक्टर जितेंद्र के घर पर पूजा की गई, उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना पर्चा भी आज भरना था और एक उनका भी शो इस समय जो है वो कठुआ के अंदर चल रहा है। लेकिन चौधरी लाल सिंह का इंतजार था लोगों को कि कब वो दिल्ली से वापस आएंगे और इस समय ये जम्मू में है और अब एयरपोर्ट से निकलने के बाद सीधा चौधरी लाल सिंह जो है वो कठुआ की तरफ रवाना होंगे और उसके बाद सुनने में आया है कि पहले वो वैष्णो देवी जाएंगे और उसके बाद वो शायद अपना कैंपेन का जो हिस्सा है उसको शुरू करेंगे। जितना जोश लोगों के अंदर है उतना ही जोश उनके अंदर भी समय दिखाई दे रहा है, वो भी लोगों से कह रहे हैं, लोग जो है फूल माला से इनका स्वागत जो है वो कर रहे हैं क्योंकि काफी भीड़ जो है वो इस समय हो चुकी है और सिक्योरिटी को भी जो है वो बहुत मुश्किल हो रहा है संभालना क्योंकि लोग बहुत ज्यादा आ चुके हैं। ये साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं आप जम्मू के, जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं और लोग जिस कदर चौधरी लाल सिंह को देखने के लिए आए थे और ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जो कि बहुत से लोग जो है वो इस इंतजार में थे। तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं इस समय एयरपोर्ट की बाहर की ये तस्वीरें हैं। वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा जो कि एक बड़ा सियासी दंगल जो है वो देखने को आप मिल सकता है कहीं ना कहीं। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, सब इस समय एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुके हैं और एक बहुत जबरदस्त स्वागत जो है वो इस समय चौधरी लाल सिंह का किया जा रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं लोगों का भी एक बड़ा हजूम जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल सकता है। एयरपोर्ट की बाहर की ये तस्वीरें आप तक न्यूज इनसाइडर 24/7 के माध्यम से पहुंचती हुई, क्योंकि यहां से आप चौधरी लाल सिंह सीधा जो है वो कठुआ का रुख करेंगे, अपने घर जो है वो जाएंगे और उसके बाद चौधरी लाल सिंह जो है वो फिर जम्मू आएंगे। पहले वो वैष्णो देवी का रुख करेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि जब इनके ऊपर केस लगा था मनी लॉन्ड्रिंग का था और उसके बाद अभी जब ये जेल से छूटे थे तो सबसे पहले ये वहीं गए हुए थे और अब कहीं ना कहीं यहाँ पहुँचने के बाद भी चौधरी लाल सिंह का ये कहना है कि वो पहले वहीं जाएंगे और उसके बाद ये जो है वो लोगों से भी मिलेंगे। तस्वीरें इस समय जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं वो जम्मू एयरपोर्ट की बाहर की ये तस्वीरें हैं और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों का भी एक बड़ा हजूम जो है वो यहाँ पर नज़र आता हुआ। आगे की भी हम तस्वीरें आप तक पहुँचाएंगे कि जहाँ तक नज़र जो है वो जा सकती है वहाँ तक लोग जो हैं वो आए हुए हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो इस रैली को कामयाब बनाने के लिए, इस वेलकम को करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और ये साफ तस्वीरें
न्यूज इंसाइडर 24/7 से आप देख रहे हैं। आपको क्या लग रहा था कि चौधरी लाल सिंह का वेलकम इस तरह हो सकता था जम्मू में, जो कि उनकी एक अपनी पार्टी थी डोगरा स्वाभिमान संगठन के नाम से, लेकिन अब चूंकि उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का दामन जो है वो अब थामा और किस तरह से यहाँ पे फूलों की बरसात जो है वो की जा रही है, साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों का हजूम भी जो है वो भी यहाँ पर बाहरी तादाद में जो है वो पहुंचा हुआ है और इनके स्वागत के लिए लोग जो है वो आज सुबह 11 बजे ही जम्मू एयरपोर्ट के बाहर आ चुके थे और यहाँ पर उनका स्वागत जो था वो होना था। और इस समय की ये लाइव तस्वीरें जम्मू एयरपोर्ट के बाहर की आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर ढोल नगाड़े जो है वो भी बजाए जा रहे हैं। लोगों से भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या कुछ कहना है चौधरी लाल सिंह को लेकर के, अब उनकी जो है वो एंट्री मैदान में हुई है, क्या इनका कहना होगा, मैं क्या कहेंगे चौधरी लाल सिंह के लिए। मैं कांग्रेस महिला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट उधमपुर से, हमारे चौधरी लाल सिंह जी एमपी जो पहले भी एक्स लड़ चुके हैं, दो बार वो एमपी रह चुके हैं, दो बार वो हेल्थ मंत्री रह चुके हैं, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट वकार साहब जी ने अंतिक मेहनत से उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा के पब्लिक के प्रिय नेता और पब्लिक की आवाज़ है चौधरी लाल सिंह ही हमारी जरूरत बन गए हैं, उन दोनों कैंडिडेट को जिता के हम कैबिनेट में लाएंगे और जरूर वो जीत कर आएंगे। दिन भी होता है, सूरज भी चढ़ता है, तो वो गलती में थे और आज हवा बदलेगी, हमको तहस नहस करने का जो सोच रखा था, प्लान कर रहे थे, तो वो झूठे प्लान जो थे वो आज वो बदलाव हो जाने का, बदलाव लोग चल रहे हैं। भाजपा कह रही है आपकी बार 400 पार। हाँ, उससे पार ही हो जाना, वो तो सुमो दरिया के भी पार हो जाना, पाकिस्तान की तरफ ही हो सकता है काम। चलिए, लोगों के क्या कुछ तासुरात है, क्या कहना चाहेंगे आप चौधरी लाल सिंह? लाल सिंह के आने से कांग्रेस में पूरा जोश भर गया हुआ है और अब की बार 400 बार नहीं, अब की बार लखनपुर पार, चौधरी लाल सिंह एक बब्बर शेर है जो जम्मू में कांग्रेस में वापिस आ गया है, अब कांग्रेस में लहर आएगी जो लाल सिंह द्वारा आई होगी, हम सब बहुत खुश। चलिए, आप साफ तौर पर तस्वीरें जो है वो देख सकते हैं कि लोगों का जोश जो है वो बढ़ा हुआ नजर आ रहा है।